सिर्फ 5 मिनट और थोड़े से सामान में बहुत ज्यादा हेल्दी नाश्ता बन जाए जो सभी को पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं दिन की शुरुआत नमकीन सेवइयों के बहुत 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 ज्यादा हेल्दी नाश्ते के साथ। प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसके बजाय घी भी ले सकते हैं। तो पूरी सेवइयां हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, इसको रोस्ट करने से लेकर स्टीम करने तक। अब इसमें डालेंगे 1 कप वर्मिसिली। ये प्लेन सेवइयां हैं तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। और अगर आप रोस्टेड सेवइयां ले रही हैं तो उसमें भी बिल्कुल हल्का सा घी या ऑयल डालकर बस 4 से 5 मिनट के लिए भून लीजिएगा, क्योंकि वो पहले से ही भुनी होती हैं तो बस उनको हल्का सा ही भूनना है। आप चाहे तो सेवइयों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करने से जब सेवइयां हम बनाकर निकालेंगे तो खिली खिली नहीं बनेंगी, एक में चिपकी रहती हैं। तो बेटर होगा कि हल्का सा देसी घी या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल डालकर भून लीजिए। तो देखिए, बिल्कुल जैसे मार्केट वाली भुनी सेवइयां आती हैं वही कलर इस पर आ चुका है। अब इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, फ्लेम ऑफ करके तब इसको निकालेंगे, नहीं तो कुकर में जो भी सेवइयां चिपकी हैं वो जलने लगेंगी या फिर ज्यादा कलर आ जाएगा। तो थोड़ा ऑयल देखिए इसमें बचा हुआ है, क्योंकि मैं ऑयल को अलग करते हुए सेवइयां निकाली हूँ, तो लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, और जीरा चटक जाए तो 2 से 3 टेबल स्पून मूंगफली का दाना डालेंगे। आप चाहे तो मूंगफली के दाने को अलग से फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद 2 हरी मिर्चें बीच से कट करके डालेंगे, थोड़ी सी करी लीव्स, 1 छोटा चम्मच काली सरसों और 1 छोटा चम्मच बनारसी राई। डेढ़ इंच घिसा हुआ अदरक, 1 बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डालेंगे, और प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतनी देर ही फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, थोड़ा सा शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो आप इसमें अपनी पसंद अनुसार कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीन्स, ये सब सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 या फिर 1/2 टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, फ्रोजन मटर, आप चाहे तो ताजा मटर भी ले सकते हैं, और सारी सब्जियों की मात्रा अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं कम सब्जियां ली हूँ लेकिन मात्रा इनकी ज्यादा ज्यादा ली हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तब तो खूब भर भर कर सब्जियां डालिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। अब कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच करीब हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या तीखा जैसा पसंद हो उसके हिसाब से कर लीजिए। मैं इसमें हरी मिर्च भी डाली हूँ इसलिए लाल मिर्च कम ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1.5 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, चीनी जरूर ऐड कीजिएगा, इससे स्वाद बहुत गजब का आएगा। तो अगर आप सेवई के उपमे में चीनी नहीं ऐड करते हैं तो जरूर ऐड कीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस 1 छोटा चम्मच में ली हूँ। अब 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, फ्लेम हाई करके इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। तो पानी बस उतना ही डालेंगे जितनी सेवइयां हैं, सेवइयां से ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हम डालते हैं तो सब्जी का भी पानी निकलता है। तो जैसे ही थोड़ा सा उबाल आने लगे इसमें ये भुनी हुई सेवइयां डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे। इसी के साथ में 1/2 टुकड़ा नींबू का रस निचोड़ देंगे। आपको खट्टा कम पसंद है तो 1/4 टुकड़ा निचोड़ दीजिए, और ज्यादा पसंद है तो पूरा 1 नींबू निचोड़ दीजिए। अब इसका प्रेशर लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पर बस 1 सीटी आने देंगे। एक सीटी आ चुकी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका 1/2 प्रेशर निकाल देंगे। तो बस इतना प्रेशर मैं निकाल दी हूँ।
अब बाकी अपने आप से निकलेगा। तो प्रेशर निकल चुका है, तो देखिए हमारी सेवइयां कितनी बढ़िया दिख रही हैं। ये देखिए एक एक सेवई आपको अलग अलग दिख रही होगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो फटाफट बस 5 मिनट में हमारी ये नमकीन सेवइयां बनकर तैयार हो गई हैं। तो प्रेशर कुकर में जब आप इस तरह से सेवइयां बनाएंगी तो ना तो गीला होने का डर होगा और ना ही कच्चा रहने का, बहुत बढ़िया सेवइयां बनती हैं। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छे से ये पक चुकी हैं। ये देखिए मैश हो जा रही हैं, तो बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो दोस्तों मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्नैक्स में आप इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाइए, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। आपको ये प्रेशर कुकर में बनी हुई फटाफट नमकीन सेवइयों की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।